नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G वाले फ़ोन के बारे में। दोस्तों, इस फ़ोन में एक नया अपडेट आ चुका है, तो आज मैं आपसे इसी अपडेट के बारे में कुछ खास बातें बताने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं दोस्तों, जैसे ही अपडेट के बारे में कुछ वीडियो देखते हैं तो पूरी वीडियो को छोड़कर वो पहले अपने फ़ोन में अपडेट चेक करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ अपडेट के बारे में कुछ खास बातें बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये देखिए, जी है मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी S20 FE। इसमें दोस्तों एक नया अपडेट आ चुका है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, इस फ़ोन में एक नया अपडेट आ चुका है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस अपडेट के साइज़ की, तो आप देख सकते हो सिर्फ 250 MB का अपडेट है, जिसमें दोस्तों आपका सिक्योरिटी पेज लेवल हो जाएगा 1 फरवरी का। अभी मार्च चल रहा है, बट इसमें हमें जो अपडेट मिल रहा है वो मिल रहा है 1 फरवरी का सिक्योरिटी पेज लेवल। दोस्तों, इस अपडेट में हमें क्या नया मिलता है, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो अपडेट है, जो सिर्फ जो फ़ोन में छोटे मोटे बग्स आते रहते हैं, जैसे कि आप अपने फ़ोन को यूज कर रहे हो और आपका फ़ोन जो छोटे मोटे बग्स, नए नए बग्स लेके आता रहता है, तो दोस्तों उन बग्स को फिक्स करने के लिए कंपनी अपडेट देती है, जिसके साथ साथ आपको सिक्योरिटी पेज लेवल भी अपडेट होकर मिलता है। तो ये अपडेट सिर्फ 250 MB का है, जिसके अंदर आपको आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस वगैरह है वो अपडेट होकर मिलेगी। आपका फ़ोन पहले के मुताबिक ज़्यादा अच्छा चलेगा और सिक्योरिटी पैच लेवल जो है दोस्तों वो हो जाएगा 1 फरवरी का लेटेस्ट वाला। तो अगर आपके पास S20 FE 5G है तो आप इस फ़ोन को फटाफट से अपडेट कर लो। अब दोस्तों, जो ज़रूरी बात थी वो ये थी कि अगर आपके फ़ोन में जो कुछ ज़रूरी डाटा डाला हुआ है, जैसे कुछ ज़्यादा ज़रूरी फाइल वगैरह डली हुई हैं, तो अपडेट करने से पहले दोस्तों आपको उनका बैकअप लेना है। ऐसे क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि कुछ अपडेट दोस्तों ऐसे होते हैं कि जब आप अपने फ़ोन में उन्हें इंस्टॉल करते हो तो आपका फ़ोन फिर से दोस्तों रीस्टार्ट होता है। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आपके फ़ोन के दोस्तों जो डाटा होता है उसका दोस्तों डाटा डिलीट होने का चांसेस जो है दोस्तों कुछ ज़्यादा बन जाते हैं। और कभी कभी कंडीशन दोस्तों क्या होती है कि हमारे फ़ोन में जो ज़रूरी डाटा होता है, जैसे फ़ोन कॉल का या मैसेज वगैरह का, दोस्तों वो डिलीट हो जाते हैं। तो जब भी आप अपने फ़ोन को नए अपडेट में इंस्टॉल करो, तो उससे पहले दोस्तों आपको अपना बैकअप ले लेना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें, जिससे मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।